हेलो व्हाट्स अप, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले सीरीज़। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिटमैन गेम को। एंड हिटमैन गेम, जिनको नहीं पता, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार गेम है। इस गेम के अंदर हमें असासिनेट करना होता है, लाइक हमें कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं एंड उनको लाइक हमें साइलेंटली किल करना होता है, एंड हम चाहें तो लाइक उनको अपने तरीके से भी ख़त्म कर सकते हैं। तो या मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इस गेम को खेलने के लिए। विदाउट वेस्ट का टाइम, लेट्स बिगिन। सो ऑलराइटी, हिटमैन वन एंड इसका जो प्रोलोग था वो मैं ऑलरेडी प्ले कर चुका हूँ। हिटमैन वन के दो मिशंस एंड प्रोलोग मैंने एक्सट्रीम पे ख़त्म करा था। सो तुम चाहो तो जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बाकी के जो हिटमैन के चार मिशंस थे वो मैंने ऑफलाइन निपटा दिए, बिकॉज या मुझे बहुत ज़्यादा मजा आता है एंड मैंने निपटा दिए। बट या हिटमैन टू मैं पूरे एपिसोड्स रिकॉर्ड करने वाला हूँ, इसलिए बस लेट्स गो। सो हिटमैन टू के अंदर अपना फर्स्ट मिशन जो है वो नाइट कॉल, सो स्टार्ट कर देते हैं, लेट्स गो। सो हमारा फर्स्ट मिशन जो हिटमैन टू का है वो स्टार्ट हो रहा है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स गो। तो फर्स्ट की स्टोरी जिनको नहीं पता मैं बता दूंगा कभी, बाकी तो बेसिकली हम इसमें हिटमैन ही बने थे तो कुछ खास नहीं हुआ था। When all of their recent missions turn out to be contracts for a shadow client, things take an unexpected turn. Okay. All their targets have been operatives in an invisible organization known as Providence. Providence has infiltrated the highest echelons of power and secretly owns our world. The shadow client wages a silent war against them. And so the constant, Providence's enigmatic controller, seeks Diana out. His request, track down and eliminate the Shadow Client. In return, he offers something irresistible. The truth of 47's lost origins. Neither know that the man they hunt is 47's childhood friend. And unlike 47, he remembers everything. Okay. So last time, क्या हुआ था, लाइक हम हिटमैन थे एंड डायना जो है जो हमें मिशंस प्रोवाइड करती है, एंड जो प्रोविडेंस था, लाइक जो वो बंदा था उसको पता चल गया था डायना का कि लाइक वो मिशंस दे रही है उसे सारे, तो उसकी उससे कॉन्ट्रैक्टशिप कुछ हुई थी, बात हुई थी एंडिंग में हिटमैन वन के। सो देखते आगे क्या होने वाला है। एंड उसने बोला है कि लाइक अगर हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो वो इसका सच बताएगा, बिकॉज काइंडा मुझे लग रहा है कि ये लाइक इसकी मेमोरी मिटा रखी है इन बंदों ने। ऑल राइट, सो हम आ गए हैं कहीं पे, हॉकी बे न्यूजीलैंड। ओके, एल्मोरेनास हाउस इज जस्ट अप द बीच। आवर इंटेल इंडिकेट्स दैट शी एंड हर टीम आर लेइंग लो। ओके, लाइकली प्लानिंग द मिलिशियस नेक्स्ट स्ट्राइक। रेनार्ड इज वन ऑफ द शैडो क्लाइंट्स टॉप लिएटेनेंट्स एंड येट शी इज नॉट अ टारगेट। नॉट येट एनीवे, शी इज नो डाउट हाई ऑन आवर क्लाइंट्स लिस्ट, बट फॉर नाउ इट्स इंफॉर्मेशन वी सीक। ओके, सो अपने को वहां पर जाके, ठीक है, सो अपना ऑब्जेक्टिव है ना, एक फाइंड अ वे इनटू द हाउस। सो हाउस के अंदर तो मैं घुस जाऊंगा, बिकॉज या मैं हिटमैन से ही खेल लेता हूँ, ठीक है। भाई का एम तो तुमने देखा ही है ना, तो हम चले जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अंदर जाके आई थिंक अपने को असासिनेट करना है किसी को। बाकी भाई वेदर देख रहे हो तुम कितना खतरनाक हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब कभी तबाही मचने वाली है। वो तो मचेगी भी, क्योंकि हम अंदर जाके तबाही मचाने आए हैं। सो बेसिकली यहाँ पर देखते हैं, वैसे मेरे पास है क्या क्या। मेरे पास मेरी गन है, कैमरा है, ठीक है। एंड होप सो कि इन बंदों ने कुछ और भी इंट्रोड्यूस करा हो इसमें, देखते हैं आगे चल के। वैसे सो मारना हमें किसको है ये बताया इन्होंने, जैसे हिटमैन वन के अंदर ये पहले स्टोरी बता देते थे उस बंदे की। क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ, मेरे पास लॉक पिक नहीं है। क्लाइम, आई कैन क्लाइम। ये नहीं था, लेट्स गो। ऊपर तो मैं आ गया। ओके, ये अनलॉक करने के लिए। ओके, ये उठा लेते हैं। यहाँ पे कुछ, सर्च द हाउस फॉर इंटेल ऑन द शैडो क्लाइंट, गॉट इट। ये लॉक है, ये छुपने के लिए है। एंड यहाँ पे क्या था, ये गेट क्लोज करने के लिए। यहाँ पे कुछ क्लोथ्स, घर में कोई है क्या, एक है फाइल ऑन रूपर्ट पियर्स, वेव इंटेल। ओके, फाइल ऑन डायनेस्टी ग्लोबल। ओके, अ फाइल ऑन रॉबर्ट पियर्स, फाउंडर ऑफ डायनेस्टी ग्लोबल, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेट रिटेलर। इफ पियर्स इज अ प्रोविडेंस ऑपरेटिव, ही अनडाउटली रैंक्स हाई ऑन द मिलिशिया हिट लिस्ट। Pierce is based in London, so he cannot be Renard's immediate target. However, his VIP lens, Donavon, is from nearby. Wellington and his brother is the New Zealand Prime Minister. Okay, got it. The world's largest internet retailer. ठीक है। Pierce is a Providence operative.
He's likely on the Shadow Clan. अच्छा ये बाथरूम का डोर है वो भाई देख रहे हो कितनी खतरनाक सी लग रही है। यहाँ पे कुछ ये छुपने के लिए है एंड छुपने के साथ साथ हम इसमें बंदे भी लिटा सकते हैं मतलब जिनको लपेटेंगे ना हम उनको पॉइजन कर सकता हूँ बट मेरे पास पॉइजन है नहीं बट पॉइजन करना कैसे मेरे को तो यहाँ पे इंटेल ढूंढना ना। अच्छा नीचे कोई है क्या ना घर खाली पड़ा है क्या भाग लेते हैं फिर भैंस की ठीक है आई एम ट्राइंग माई बेस्ट इंटेल है लेट्स गो यहाँ पे क्या है ये भी ले लेते हैं तो ये सारी चीजें ना मैं मत्थे पे फेंक के मार सकता हूँ बंदों के समझ रहे हो व्हाट हिडन पैनल कहाँ पर है कहाँ है भाई हिडन पैनल कहाँ है इन्हें कुछ तो बोला है हिडन पैनल इसने कुछ तो बोला आ ये है लेट्स गो कहीं तो आए हम लॉकपिक मिला मेरे को काफी सारी चीजें मैं कर सकता हूँ इंटेल अरे गन ले भैंस के यहाँ से ये ले ले एंड ये नाइफ भी ले फेंक के मारने के काम आएगा ये भी ले ले एंड ये क्या है फ्रैगमेंट ग्रेनेड कटाना भी ले भैंस की सर फाड़ दूंगा बंदों का ये भी ले ले उठा ले भैंस की सब उठा ले भर ले अच्छा नहीं नहीं कटाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भाई साहब डेडपूल वाली बातचीत फुल एंड ये किस लिए ओके इसको बंद कर देता हूँ भाई क्योंकि अगर मैं खुला छोड़ दूंगा ना इसे तो सीन हो जाएगा मे बी वो वापस आ जाए जिस बंदे का घर हो ये क्योंकि इतना आसान मिशन तो नहीं देने वाले खाली घर में दौड़वा दे मुझे सो इंटेल के लिए मेरे को पासवर्ड तो मिल गया है एंड नाउ ले लो मजा आ गया वो मैं बोल ही रहा था अभी ही बोला था मैंने मतलब बिल्कुल ही कतई टाइमिंग पे चल रही है बातचीत Okay. I doubt she even knows whom she's working for. Wait, here's something. A message from Robert Knox of Kronstadt Industries. And by the sound of it, he's a Providence operative. A defector. Well, well, well. Client won't like this one bit. अरे बंदे आ गए भाई साहब बंदे आ गए वहां से. Multiple hostiles. ओ भाई बहुत पूरी पूरी फौज आई है भैंस की. Okay, we've got all we're going to get. Go to stage 247. Eliminate Reynard and preferably without raising suspicion. One step ahead of the Shadow Client for once. Let's keep it that way. Reynard ko marna apne ko. Let's go. Maar dunga main. Mere ko dikkat nahi hai. Oh, thought this night would never end. Ye hai Reynard. And I even missed out on the action. I'm sorry you had to endure all that free champagne and cello music, Orson. What can I say? You really took one for the team. Yeah, well, I say stick to what you know. सारे मुझे जानते हैं भैंस की ओ ओ ओ ओ मुझे बंदे उसको मारना है वो नीचे ही है मुझे पहले तो किसी के ना कपड़े चाहिए होंगे एंड या मैं भूल गया था पहले ये चीज तो अपने को ना ये करना इम्पोर्टेंट है थोड़ी थोड़ी देर में सेव करना बिकॉज इट्स हेल्प्स अलॉट एंड मैं यहाँ पर आया यहाँ पे कोई है एक राइट चाओ बाहर हैं सारे मुझे कपड़े चाहिए तो होंगे वो बाहर ही है चढ़ना कहाँ अड़ गया मैं ये रहा इसको इसको खींच के लेके चल अंदर लेके चल इसको 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 डब्बे में डालते हैं लेट्स को एक बंदा तो मारा इसके सर में घुसेड़ दी मैंने कटाना एंड इस गेम में सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में आता है भाई साहब चीज़ें फेंक के मारो बंदों के मुँहों पर इसमें डालो इसे इसके कपड़े चाहिए वैसे मेरे को लेट्स गो तुम्हारा भाई कपड़े बदल चुका है एंड नाउ मेरे को बाहर वाले बंदे तो नहीं जानते बट अंदर वाले जानते हैं सो आई नीड टू लाइक अबे मेरे को कटाना तो ले लूँ मैं अपनी वहाँ से पहले तो यहाँ पे कुछ मिला मेरे को पॉइजन मिला लेट्स गो यहाँ पे क्या है क्वेरी सॉस नहीं चाहिए नहीं चाहिए एंड सेव करते रहो भाई थोड़ी थोड़ी देर में पता है इससे क्या होगा लाइक अगर मैं कोई गलत एक्शन कर देता हूँ तो आई कैन लाइक वहाँ से मैं ना लाइक लोड कर सकता हूँ गेम को इंस्टेंटली रेंच ले लेते हो रेंच काम की चीज़ें चलते हैं ओ भाई Who I am is not important. You have seen the pictures, yes? Good. मेरे को ऊपर से जाना पड़ेगा ब्रो नीचे तो बहुत ज्यादा रिस्क है इसकी बहस का भग 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 अबे बंदे सारे क्यों नहीं दिख रहे ओ भाई वो आ रहा है
वो आ रहा, एक बंदा और था उसके साथ। अगर मैं इसको मार दूँ ना तो काम बन जाएगा। बेटा तुम खत्म हो, देखो अब मैं बताता हूँ इन्हें। अब यार उसे नहीं मार सकता मैं, चलो ऊपर ही चलते हैं, लेट्स गो। मेन बात है यार, बंदे देखेंगे ना शोर मचा देंगे, और एक को पता चला ना फिर मैं लोड कर लूंगा। वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तीन चार जगह सेव करके रखता हूँ। नहीं तो भाई साहब ये बंदे ना बहुत आगे से वो देते हैं गेम। इधर कोई है क्या ऊपर? ऊपर कोई भी नहीं है, लेट्स गो। भाई पूरा एरिया लाइक इन्होंने वो कर रखा सीज। वहाँ पे बंदा एक, ऊपर तो कोई नहीं देख रहा ना। लेट्स गो। अरे खोलना गेट, खोल बे, शीशा लगा पड़ा है। हाँ लॉक करो इसे। ऊपर भी है, मैं यहीं से मार सकता हूँ वैसे तो, इसे चाहूँ तो मार दूँ क्या? बोलो, मैं आराम से क्लियर कर सकता हूँ इसे। ए कहाँ गई मेरी गन? खत्म। देखा देखा तुमने कितना इजी है? भाई से पंगे नहीं क्या? भाई से पंगे नहीं। लोकेट द एग्जिट, लेट्स गो। हमने ख़त्म कर दिया उसे तो, मेन बंदा ख़त्म। बट मुझे अब एग्जिट ढूंढना, थोड़ा सा एग्जिट ढूंढने में दिमाग ख़राब होगा। वैसे मैं यहाँ से जा सकता हूँ आई थिंक सो। इधर कोई है तो नहीं ना? नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो। यहाँ पर आके एक बार सेव कर दिए चाय। इस वाली गन में ना सपरा सा लगा है, तो इट्स काइंड इजी फॉर मी इसकी उससे जाना। झाड़ियों में छुपते छुपते चलते हैं, कोई नहीं देखेगा हमें। बॉडी फाउंड, वो तो फाउंड। अबे अभी तक उसकी बॉडी फाउंड नहीं हुई थी। बहुत ही बढ़िया, नहीं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। मैं तो कह रहा हूँ, मतलब मैंने बोल दी, इससे ज़्यादा बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। एंड हम यहाँ पर आ गए, लेट्स गो। एंड यहाँ पर वहाँ तो बहुत सारे बंदे हैं भाई साहब, मैं लेट सकता हूँ क्या इसमें? उठा ले भी, उठा ले। तो यहाँ तो बहुत सारे बंदे देख रहे हैं। कॉन्सील्ड, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। मेरे को वहां तक पहुंचना है, मुझे एग्जिट दिख रहा है ना। मैं चाहूँ तो इन बंदे को लपेट के भी जा सकता हूँ, बट ना यार पता चल जाएगा बहुत सारे बंदे हैं ओपन में, और ये ना आते रहेंगे फिर। एंड यहाँ पर मैं आ, रुको, वेयर इज फ्लैश बैंग? नहीं, मेरे को चाहिए सिक्का। चल 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 चल, भाग जा फटाफट। या देख कर उधर क्या गिरा है। अब यार वो तो धर ही आ रहा है इसकी भैंस का। मैं थोड़ा सा फंसा, थोड़ा सा। व्हाट द हैक, मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार। जाओ जाओ जाओ, देख करो बेटा, देख करो फटाफट। हाँ मैं ना यहाँ पर रुको, एक काम करता हूँ, कुछ भी एक्शन से पहले ना सेव कर दिया जाए एक बार। काइंड ये मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके लेट्स गो, लेट्स गो। नो वे टू गेट पास्ट देम अननोटिस्ड। आई सजेस्ट यू कॉज डिस्ट्रैक्शन 47 एंड मेक इट अ लाउड वन। आ रुको, लाउड वन बोला ना इसने। अबे भैंस की, रुक जा, कहाँ गई वो गन? का चली जाती है बार बार, इतनी आगे चली जाती है। चलो 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 चलो, भाग के चलो। मेरे बंदे हैं ना ये, उनके तो नहीं है ना? नहीं, इनके ऊपर वो नहीं बना पा रहा। लेट्स गो, काल बेटा काल। चलो लेट्स गो, एग्जिट। व्हाट, मैं एग्जिट क्यों नहीं कर पा रहा? लोकेट द एग्जिट बोला तो। हाँ ये तो रहा भाई, बहुत ही बढ़िया यार। ये मजाक कर लो तुम, मैं सोच रहा हूँ वहां पर वो ना बल्ब बना रहा है इंटेल वाला,
मैं सोच रहा हूँ इंटेल लेने तो नहीं जा रहा दोबारा में, मिशन तो खत्म हो गया। लेट्स गो, फर्स्ट मिशन आई थिंक हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट मिशन कुछ ज़्यादा ईजी नहीं था, मतलब लाइक हद से ज़्यादा ईजी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था यार ये। लाइक मैं सोच रहा था हिटमैन वन से ज़्यादा डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, लाइक उसमें तो काफ़ी डिफिकल्ट मिशन थे, बट फिर भी मैंने काफ़ी जल्दी मार दिया। मेरे ख्याल में ना थोड़ा प्रो हूँ ज़्यादा, समझ रहे हो, मुझे पता है, आई न्यू इट। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि मैं कर सकता था। लाइक इसमें क्या होता है, इंटेल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, एंड मैं उनको फॉलो करके उस स्टोरी को खेल सकता हूँ। लाइक अभी जैसे कि मैंने उसको उसको खोला था कंप्यूटर को, एंड जो हुआ था, एंड मैंने डायरेक्ट मार दिया। मैं चाहता तो कोई स्टोरी फॉलो करता एंड उसके पास बिल्कुल साइलेंटली जाता, वैसे ही मैंने साइलेंटली मारा, तो इट्स ओके, लेट्स गो। सो हमने उसको तो मार दिया, एंड अगला मिशन जो है हमारा जो कि है द फिनिश लाइन। सो यार गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। नेक्स्ट द फिनिश लाइन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आया होगा। थोड़ा छोटा था लाइक ये मिशन, ज़्यादा कुछ खास नहीं था, नॉर्मल था, बट या इसलिए था क्योंकि मेरे को अच्छे से ट्रेनिंग हो रखी है, मैंने खेली है काफ़ी ज़्यादा हिटमैन वन। सो यार मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मैच चला, गुड बाय।